किसानों के लिए इन दिनों गेहूं बुआई के दिन चल रहे हैं, लेकिन खाद की किल्लत ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा रखी है। इन्हीं किसानों के मुद्दे को लेकर आज सिद्धार्थ नगर जिले में कपिल वस्तु विधानसभा के सपा फूड विधायक विजय पासवान अपने लाभ लश्कर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुँचे और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। दर्जनों की संख्या में इन कार्यकर्ताओं ने सपा के झंडे लेकर पूर्व विधायक के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर के डीएम ऑफिस तक नारेबाजी और प्रदर्शन करते पहुँचे। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? अभी धरना, कल हम लोग क्षेत्र में धरना थे, जो आज खाद की किल्लत है किसानों का, बहुत अभाव है खाद का, और कई जगह हम लोग करे केंद्रों पे और जहां सचिवालय हम लोग गए वहां पे बहुत बड़ा काला बाजारी चल रहा है। किसी कहीं कहीं किसी स्टोर में कोई खाद नहीं है, और 10-20-50 खाद बोरी वाला कुछ किसानों को देके सुबह से लेके 4 बजे तक लोग गरीब किसान लाइन लगाए खड़े हैं। कल मैंने डीएम साहब से बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, वो बोले कि हम व्यवस्था करवा दे रहे हैं। 4 दिन पहले भी हमने डीएम साहब से बात किया कि खाद की किल्लत है, और पहले भी ये किसान बाढ़ में बर्बाद हो गया है और बड़ी मुश्किल से फिर किसानी करने का प्रयास कर रहा है, तो खाद ही नहीं है। और पता ये चल रहा है कि इनके बड़े अधिकारी ये नेता टोटल खाद उठा के कहीं नेपाल या ब्लैक प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में भेज दिए हैं, किसानों को कोई सुध नहीं है, क्योंकि योगी सरकार, ये मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये कभी किसानों के हित की बात नहीं करती है, ना नौजवानों के हित की बात करती है, ना माताओं बहनों के हित की बात करती है, बस सिर्फ प्रोपोगंडा है। हमारे नेता अखिलेश यादव की सरकार में थे, हम लोग विधायक थे, कभी कोई खाद की किल्लत नहीं आने पाई है। हर सोसाइटी पे हर क्रय केंद्र हम लोग चालू करवा के बराबर किसानों के लाभ की बात करते थे हम लोग, लेकिन ये लोग ना तो कहीं क्रय केंद्र चालू है, ना कहीं खाद का व्यवस्था है, तमाम ये लोग दुर्व्यवस्था करवा के किसानों के इन्होंने बर्बाद कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा है। आज समाजवादी पार्टी, हमारा नेता अखिलेश यादव किसानों नौजवानों के लिए हर घर गांव से जुड़े हुए गरीब बूढ़े के लिए रात दिन चल रहे हैं। आज हमारे समाजवादी पार्टी तमाम हमारे वकील रियाज साहब आए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और हमारे कलाम साहब हैं, वर्मा हैं, और हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, तमाम आनंद फानंद में सुबह हम लोगों ने 10 बजे ये प्लान बनाया कि आज एक ज्ञापन वार्निंग दे दिया जाए ये प्रशासन को, अगर 2-4 दिन के अंदर एक खाद और क्रय केंद्र का पूरा हमको रिपोर्ट दे दिए कितना इन्होंने क्रय करवाया है और कितना खाद आया, कितना काले बाजारी करवाए हैं, तो हम समाजवादी बड़ा आंदोलन करेंगे कि योगी सरकार ये मुर्दा सरकार है, और यहाँ का विधायक जो है उसको किसानों से लेना देना कोई नहीं है। आज तमाम गाँव में जाते हैं, तमाम गाँव में हम लोग सभा करने जा रहे हैं, हर किसान, हर नौजवान, हर हमारी माताएं बहनें की आंखों में आंसू है, कोई सुध नहीं है सरकार में, क्योंकि जो सरकार के पास अभी औलाद वालों सरकार है, इसलिए औलाद वालों को दर्द नहीं जानते। हम समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ाई किसानों के लिए लड़ते हैं, आगे लड़ते रहेंगे। हम लोग धरने पर बैठे हैं जब तक डीएम साहब या कोई उनका आके आश्वासन नहीं देता है खाद कब तक पूरा करवा देंगे, और कब तक करे केंद्र कितना चालू है, कितना इन्होंने करे किया है, जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे हम लोग धरने छूटने वाले नहीं है।